नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी 14 न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ कुमार लपास। देखिए श्रावस्ती से बड़ी खबर। श्रावस्ती जनपद में लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश है के रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब बन गई हैं, तालाब ने नदियों का रूप ले लिया। वहीं किसानों के लिए ये पानी काफ़ी मुफीद बताया जा रहा है, क्योंकि धान की बुआई का वक्त है। किसान धान की बुआई करने के लिए पूरी तरीके से आमादा हैं। ये पानी उनके लिए सोने से कम नहीं, लेकिन यही पानी लोगों को आवागमन में बाधा भी पहुँचा रहा है। श्रावस्ती जनपद में लगातार 36 घंटों से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कों ने तालाबों का रूप ले लिया है, तो वहीं तालाबों में पानी भर जाने के कारण नदी बन गए हैं, जिससे सड़कों पर निकलना पूरी तरीके से दुश्वार है। अगर राप्ती की बात की जाए तो राप्ती का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिससे राप्ती के तट पर रह रहे लोगों के माथे पर चिकन पड़ने लगी है। वहीं बारिश का ये आलम है कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोग बर्तन की सहायता से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी मानसून ने 36 घंटे पहले ही श्रावस्ती में दस्तक दी है, कि जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अगर इसी तरह बराबर बरसात होती रही तो लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है।